तो लीजिए भाई, मैं हूँ डॉक्टर प्राण लीले और ये हैं नर्स सीपीआर। जी हाँ, ये सीपीआर देने की कोशिश करते हैं जिस पेशेंट को, डर के ही भाग जाता है क्योंकि इनसे इलाज कोई कराना चाहता नहीं है। इनसे कौन कराना चाहता है जैसे तू? मेरा नाम ही प्राण लीले है तो मुझे प्राण लेने पड़ते हैं, मजबूरी है भाई, नाम ही कह रहा है तो क्या करें। खैर, आज हम आपके सामने आए हैं तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक दमशराज का खेल ही खेल लें, क्या कहती हो नर्स? जी खेलते हैं। कौन सी फिल्म है जी? ये मैं क्या कर रहा हूं मुझे बताइए। ये डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे खरगोश, रमेश ने आंख मारी पुष्पा बेहोश। अर्थात तो चलो ये बताओ कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास डॉक्टर प्राण लेले हैं। मैंने जवाब देने के लिए नहीं कहा, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। मतलब कौन सी पिक्चर का है? कौन सी पिक्चर का है? मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दीवार। लीजिए, मैंने तो गैस करवा दिया। अब तुम्हारी बारी। मैं गैस करूं? ये फिल्म है जिसे जो ऑस्कर्स में भी गई थी और बहुत कमाल की पिक्चर है, और इसमें राजू के लिए खाना लेने वो मुनीम जी के पास गई थी, लाला के पास। मेरे बच्चे भूखे हैं लाला। ऑस्कर के लिए गई थी? या इज इट राजा बाबू? ऑस्कर के लिए नहीं गई थी राजा बाबू? नहीं नहीं नहीं, ठीक है तो कोई और होगी। ऑस्कर के लिए गई थी, बहुत महान फिल्म है, मोहनजोदारो। वो भी ऑस्कर के लिए नहीं गई? उतनी महान नहीं है, ठीक है कोई नहीं। और लगान गई थी ऑस्कर के लिए? नहीं नहीं, मैंने आपको बोला ना मेरे बच्चे भूखे हैं लाला। क्या क्या? मैं नहीं बताती। आई थिंक ये मदर इंडिया है। अय्या, देखा मैंने कैसे गेस कर लिया। मैं हिंट सी इतनी अच्छी देती हूँ। वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिल्म है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो नवाब साहब की वाइफ, ये है गीत From जब वी मेट। दे लीजिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आप पहचान गई है तो आपने बहुत अच्छा किया। बहुत हिट फिल्म है और इसमें क्या इस फिल्म में गम है? जी जी जी। क्या इस फिल्म में खुशी भी है? जी। कभी खुशी और कभी गम है? जी। गॉड, मैं कितनी ब्रिलियंट हूँ सर। बोलिए यार, ये हो, मैं इस कप में चाय पीना चाहूंगा। कौन कप? ये पीछे कौन है इतने हैंडसम से? ये इनको तो मैं नहीं पहचानता। ओहो, ओ गॉड, इनको मैंने देखा है, ये नॉर्मली फील्ड पे होती हैं। बहुत अमीर है ये। अच्छा, ओह देवी, चल हमारे नए शो को भी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। अच्छा, कब तो भगवान को दे दिया तो भगवान शायद चाय पी रहे हैं। इज दैट ऑल सिल्वर? सो दिस कप इज गोल्ड? क्या लग रहा है? नहीं, वो आपको जब आप निकलते हैं ऐसे टूर्नामेंट के लिए तो पहले ही बोल के आना चाहिए। मेरे दोस्तों ने भी मुझे बोला कि हम आ जाएं, तो मैंने कहा मुझसे मत पूछो, आना है तो आ जाओ, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे टीवी हैं सबके घर में, आराम से बैठ के देखो। बेसिकली ये कह रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं देना चाहते जबकि मैं आना चाहता हूँ। इतना कमाते, इतनी एड्स करते, कुछ फ्री टिकट्स दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? के तीन तीन के छः वो चलता ही रहता है, और एक हमें सेट नंबर ऑफ टिकट्स मिलती हैं, उसमें अगर फैमिली आ रही है तो फैमिली को अकोमोडेट करना है, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादा लोग पासिस के लिए ना हो तो अच्छा। पासिस के लिए मना कर दिया इन्होंने? इन्होंने मुझे भी मना ही कर दिया था जब मैं इनके पास शादी का ऑफर लेके गई थी। उतना तो बनता है विराट, वेरी गुड, ये इसे रिजेक्ट करना तो बनता है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। मैन्स ऑफ अ डिफरेंट नेचर, इट इज लव ऑफ अ डिफरेंट नेचर, वन नीड्स वेरी सटल सेंसिबिलिटी। कितना इंग्लिश बोलने लगी है मैं। आई वांट टू एनकरेज माय फ्रेंड्स टू ग्रो प्लांट्स एंड टू एंजॉय द ब्यूटी। तो ये इंसानों से ज्यादा प्लांट से प्यार करने लग गई। मैं भी करती हूं। बट देयर इज सो मच मोर टू डू हियर। ये बात तो सही है, ह्यूमन बीइंग्स को ही पीछे छोड़ के ये प्लांट्स की ओर निकल गई हैं, और काफी फूल। इन फूलों का नाम होते हैं डालिया। फूल का नाम ही है डालिया। अच्छा, कितना उछल रहा है ना, तकलीफ हो रही है, आज घाघरा नहीं पहना। मेरे ख्याल से इन्हें ही पिच पे जाके खेलना चाहिए, जितनी एनर्जी इनमें है तो शायद प्लेयर्स में भी नहीं होगी। इनके लिए गाना गाया है, तेरे मेरे पिच में हो। अरे बापरे, अरे बापरे, ये खुश हो रहे हैं कि डरा रहे हैं हमें?
हाँ तो हाँ, हमारा जो शो है ये सोनी पे आ रहा है, सोनी मैक्स पे, देखना ना भूलिए कि डॉक्टर प्राण ले ले सोनी मैक्स पर बहुत जल्द, देखिएगा जरूर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टू द स्क्विंट, स्क्विंट नहीं क्विंट, ओके क्विंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इनकी मत सुनिए ये बेकार की बातें करती है जी।